110 से 10 काम हो गया तो बड़ी खुशी में आए हम। ना बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। 12 रुपए घट हो गए अंकल जी। 12 रुपए घट हो गए 24 बधी बोर्ड लैंड वैसे करा ने खाली अजकल पाना मैं सोचा और घटिया फिर पाने। अच्छा बधाया क्यों सी ये नहीं समझ आई घटा तो दिता पहले बधाया क्यों है पूछो। कोई पता नहीं लगता जी रात सुते सवेरे बधाई दे रेट कोई पता नहीं 130 तक नहीं पहुंचा है। बाकी मोदी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसी गल कोई नहीं है। उम्मीद है कि 110 पुजूगा नाले टाइम तो चलो पुजेगा तो देखी जाएगी। मतलब दिवाली गिफ्ट नहीं दिता किते नहीं दिवाली गिफ्ट दे के फिर वापस ले लंदे होंदे ना है 96 है चलो कुछ भी हो 105 106 दा 96 हुआ है 75 दा पहला अब कितना रेट घट गया आप खुद देखो ना। नहीं मैं परसों पाया सी लेकिन इन्हां ने सी पता के घट होना नहीं तो मैं परसों पाउंदा ही ना। रेट होना चाहिए 70 रुपए 75 रुपए ये कोई रेट है 96 रुपए पेट्रोल का। महंगा पड़ा है। अब जनता से भी पूछते हैं कि लंबे समय के बाद अब पेट्रोल का दाम जो है वो गिरा है तो इस बारे में अब लोगों का क्या कहना है। काफी बढ़िया गल है पहले रेट बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया सगा हुन घट हो गया बड़ा इतना लग रहा तुहानू कोई फर्क पैना है माड़ा मोटा फर्क पैना जदों पहले महंगा सी लोकी उदों भी पाई फिरदे सीगे हुन सस्ता हुन भी पवनगे। अच्छा तो लगदा आने वाले दिनां च फिर 110 या वधना जाएगा वधेगा ही वधेगा बिल्कुल वधेगा नहीं घट नहीं होएगा ते फिर ये घटाया है ਇਹ ਵੈਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ 12 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਥਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਬ 40-50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਬ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 110 ਸੇ 10 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏ ਹਾਂ अब मोदी सरकार पे ये सरकार तो कम करेगी रेट तो कम करेगी अब ऐसे ऐसा बच्चे के रेट कम कम होंगे ऐसे ऐसा होंगे कम मन कर दे पेट्रोल पंप पे जाने नहीं मान तो करता गया और जाइए करना गया मान पैसे वो जोड़ने जाए नहीं मजबूरी है तो जाएगा हाँ मजबूरी पता है कोई जाए इन्हें क्या करना पेट्रोल कोई वो है थी नहीं ना मैंने तो आया अब गया पेट्रोल पंप पर रेट पूछा महंगा पड़ा है अच्छा रेट पूछ के वापस आ गए वापस आई है उसकी इंजन स्कूट ली है वो क्यों है पैसे नहीं इन्हें वो जो है कुछ लेने पे है 12 रुपए घट हो गया अंकल जी 12 रुपए घट हो गया 24 बधी बोर्ड लैंड वैसे करा खाली हाँ 96 हो गया अज कोई गल नहीं 96 हो गया तो बाद कर देना 120 हाँ वो कर देना कट रहा है नहीं लग रहा ये नहीं करता है ये खाली बोर्ड लैंड इन्हें तो करिए कढ़ा देने हाँ इन्हें कुछ कढ़ाते सरकार आई तो बीजेपी सरकार आई तो फिर बढ़ाई उन्होंने इन्हें इन्हें कौन पूछना है कोई नहीं पूछने वाला नहीं है अपने रेट नहीं थे पेट्रोल का रेट 12 रुपए घट हो गया 12 रुपए कट क्या हो गया 75 रुपए था पहले तो पहले था 75 था 74 था अच्छा वो पहले ही ना बड़ी तो कोई गल नहीं पहले इतना कम था 10-12 रुपए मान लो 112 उन्होंने कर भी दिया है तो 12 रुपए घटा के उन्होंने तो कम क्या किया फिर भी 100 ही है 96 है चलो कुछ भी हो 105-106 था 96 हुआ है 75 था पहले अब कितना रेट घट गया आप खुद देखो ना ये कोई सस्ता हो गया हुआ है बढ़ा के कम करना है ये बढ़ावा ही है अभी कोई कम नहीं है जी लगता तो आने वाले टाइम से फिर बढ़ना और 110 पूछना है बढ़ेगा तो है ही सरकार आगे तो बढ़ेगा जरूर।
सरकार आ गई तां वधना है, ऐदा नहीं वधना। बढ़ेगा तभी तो जब सरकार आएगी उनकी, ये तो सिर्फ वोट लेने का वो है। वोट लेने में जी आने वाले टाइम से तो लग रहा है कि 110 फिर पुजूगा रेट या नहीं, कोई पता नहीं 130 तक नहीं पहुंच जाए। पहले सी 106 जदों लास्ट पो आया सी, अच्छा हुन पता नहीं हुन 96 हो गया। तो मुबारका मुबारका हैं मुबारका उन लगदा वदना फिर वदना ही वदना है। अभी तो ये 2-4 दिन हो गए, उसके बाद फिर वदना ही वदना हां। आस्ता आस्ता करके और वदना ही वदना है। कितना फिर कोई उम्मीद नहीं है, नहीं उम्मीद कोई नहीं उम्मीद कटने दी उम्मीद है नहीं और के कटूगा और मुश्किल है। मुश्किल है जीएसटी में आएगा तो कटेगा, नहीं तो मुश्किल नहीं तो मुश्किल उन वदना ही है। नहीं आस्ता आस्ता करके वापस उधर ही पहुंच जाना है, 110 पे वापस पहुंचना ही पहुंचना है जी, आस्ता आस्ता करके पहुंचना ही पहुंचना है। 12 रुपए कट हो गया, हां पेट्रोल 12 रुपए कट हो गया, वधिया हो गया, वधिया हो गया होया ही अभी कल पाना, मैं सोचा और कट गया फिर पाने। अच्छा डीजल 17 रुपए होया नी घटिया नी, पेट्रोल भी 17 रुपए घटिया, फिर पाना नहीं चलाना नहीं घटना ही घटना देखो जी पता गल की है, ये गल हुंदी है कि हर चीज तरीके नाल ही चलदी है, तो बाकी है कि रेट वधे जां घटे उस तरीके नाल चलना भी पैंदा वा। बाकी मोदी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे ने, ऐसी गल कोई नहीं है। उम्मीद है कि 110 पुजूगा नाले टाइम, तो जो पुजेगा तो देखी जाएगी। हाँ जी हाँ जी, तो जो पुजेगा तो देखी जाएगी। उदो जो 2 रुपये च सारा समान लैके आते ही तो की है, अज अं 500 रुपये कमाने तो उदो 300 रुपये महीना मिलता ही, तो अज 5000 8000 10000 रुपये कमाने। चलो ठीक है, 12 बाकी स्टेट जो है इतने तो खाली पहले 109 ही तो हूँ 103 रुपये। अंकल जी 96 नहीं मैं पोया पेट्रोल 96 रुपये। हाँ जी अच्छा नहीं पता, मैं राती 103 रुपये का पोया। अच्छा हाँ सवेर हो गई है, चलो हूँ तो पता नहीं है। खुशी होती है? हाँ खुशी तो होगी, क्यों नहीं हाँ हूँ क्यों नहीं, तेल तो पाना ही है, ये बगैर थोड़ी काम चलना। फुल टैंकी नहीं, हाँ फुल नहीं होगी, जिन्ना जिन्ना पाने 100-200 रुपये वो तो पाना ही पाना। दिवाली गिफ्ट समझी लो। अंकल जी पेट्रोल का रेट 12 रुपए घट हो गया, खुशी हुई ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ। 120 ਪੁੱਜੀ ਆ ਨਾ, 110 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਜਾਣਾ 120 ਦਾ ਪਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਬਾਈ, ਦਿਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਦੇਣਾ ਬਾਈ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਪੈਟਰੋਲ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਲਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਡਲਵਾਉਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ। ਡਲਵਾਉਣਾ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਪੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ। ਫੁੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਆ, बाद में फिर बढ़ सकता है, रोज का 35 पैसे तो बढ़ता ही है। तो पहले ही फुल करा लो। और क्या? अच्छा जितने बचेंगे उतने तो बचा लो। मतलब तनु उम्मीद है कि आगे जाके पेट्रोल बढ़ना है? हाँ हाँ पक्का बढ़ेगा। बढ़ना है? हाँ हाँ पक्का। अच्छा लगता तनु 110 रेट पूजूगा फिर? हाँ 35-35 पैसे रोज बढ़ता है तो पहुंच जाएगा, महीने के बाद फिर से पहुंच जाएगा 110। अच्छा की लगता है तनु 12 रुपए कट कराया है, वजह की है? क्या पता क्या वजह है, वो तो उनको ही पता होगा, ड्यूटी कम की है उन्होंने, एक्साइज ड्यूटी कम की है तो उसी की वजह से रेट कम हुआ। बाकी जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो वो तो बढ़ता ही रहेगा, रुकेगा थोड़े, वो नहीं रुक सकता। सवेरे पेट्रोल पोया थी? हाँ जी।
ਕਿੰਨਾ ਹੀ 96 96 ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 12 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ ਘਟਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ 70 ਰੁਪਏ ਹਾਂ 80 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 80 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਰ ਸਕੂਟੀ ਚਲੂਗੀ ਹਾਂ ਹੈ ਦੌੜੂਗੀ ਫੇਰ ਦੌੜੇਗੀ ਦੌੜੇਗੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਫੇਰ ਵਧੂਗਾ 110 ਪੁੱਜੂਗਾ ਹਾਂ ਵਧਣਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਫੇਰ ਤੇ ਵਧੂਗਾ ਅੱਗੇ 12 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੀ 96 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 2-7-8 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਈ 12 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਨੇ 12 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਤੇ 102 ਰੁਪਏ 101 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ 109 ਰੁਪਏ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਨੇ ਆਪੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੁਣ 12 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕੇ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 70 ਰੁਪਏ 75 ਰੁਪਏ ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ 96 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 105 ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 105 ਹੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ 96 ਰੁਪਏ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਇਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ 110 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 110 ਪੁੱਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 150 ਜਾਏਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਛਾ 150 ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 96 96 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਘਟਿਆ ਕੁਝ 12 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਘਟਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਧਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ 110 ਪੁੱਜੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 74 ਰੁਪਏ ਹੈ 74 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ 110 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੋਟ ਬਾਟ ਹਾਰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਗਰੀਬੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਢਾਏ ਥੋੜੇ ਗਰੀਬੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਗਰੀਬੇ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬੇ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉਧਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕ ਮਾਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਦੇਣ